सो हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज के इस वीडियो में। फ्रेंड्स, हम बताएंगे कि आप भी इंस्टाग्राम रील्स देखते हैं और इंस्टाग्राम के रील्स को डाउनलोड करना चाहते हैं। अगर आप डाउनलोड करते हैं तो इंस्टाग्राम की आईडी के साथ डाउनलोड होता है, या जिस यूज़र का है उस यूज़र के नाम की आईडी के साथ एक टेक्स्ट आ जाता है तो डाउनलोड होता है। तो हम यहाँ पर बताएंगे कि बिना आईडी के इंस्टाग्राम रील्स कैसे डाउनलोड करें। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, मैं दो तरीके बताने वाला हूँ। जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर लीजिएगा, ठीक है। चैनल को भी जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलते हैं, हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे एप्लीकेशन इंस्टाग्राम की खोल लेते हैं। तो आप कुछ स्टेप्स इंस्टाग्राम की एप्लीकेशन खोल लिया हमने और यहाँ पे रील्स पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे हमारी ढेर सारी रील चालू हो चुकी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक छोटी सी रील ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये ले लीजिए, ठीक है। यहाँ पे 4.2 मिलियन सेल लोगों ने किया, 1.7 मिलियन किया है इनको लाइक, ठीक है। तो यहाँ पे शेयर वाले लिंक पे क्लिक करना है। यहाँ पे शेयर का ऑप्शन आ रहा है, पर हमें यहाँ शेयर नहीं करना, कॉपी लिंक करना है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो, सिंपली कॉपी लिंक करना है। और ठीक है, कॉपी लिंक करने के बाद आपको अपने ब्राउज़र में आना है और यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र खोल लेना है इस टाइप से। चलिए हम यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र खोल लेते हैं। यहाँ पे एक न्यू पेज ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो, सर्च आवर यूआरएल का नाम से ऑप्शन आ रहा है। सिंपली आपको यहाँ पे लिखना है इंस्टा सेव। क्या लिखना है? इंस्टा सेव। देख सकते हो, मैंने इंस्टा सेव लिख लिया, ठीक है। इंस्टा सेव पे क्लिक करना है, सबसे ऊपर वेबसाइट आ जाएगी, पहली वेबसाइट, इस पर क्लिक कर लेना है, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे इस पर क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे इंस्टा सेव क्लिक कर लिया था। यहाँ पे सिंपली आपका जो यूज लिंक कॉपी किया था, सिंपली आपको यहाँ पे इसमें इस वाले बॉक्स में पेस्ट कर देना है। यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने पेस्ट कर दिया। और यहाँ पे क्लिक वाला ऑप्शन है डाउनलोड बटन का, इस वाले डाउनलोड बटन पर क्लिक करना है। चलिए हम यहाँ पर डाउनलोड बटन पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे आप यहाँ पे डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे फाइल को थोड़ा सा फैच कर रहा है कि कौन सी क्वालिटी में फ़ाइल है और कितने एमबी की है। तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे फाइल अवेलेबल हो चुकी है। तो क्लोज पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं, ये वही फाइल है, ठीक है। यहाँ पे मैं मिनिमाइज़ करके भी दिखा देता हूँ, ये देख सकते हो, सेम वही चीज़ है, यही फाइल है। तो यहाँ पे भी हमें वही फाइल देखने को मिल रही है। सिंपली आपको क्या करना है, डाउनलोड पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये फाइल हमारी डाउनलोड पे क्लिक होते हुए यहाँ पे डाउनलोड आ चुकी है। डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो हमारी फाइल देख सकते हो, यहाँ पे फाइल डाउनलोड चालू हो चुकी है। इस टाइप से बहुत ही आसान तरीके से आप अपने इंस्टाग्राम की फाइल को डाउनलोड कर सकते हो और डाउनलोड करने के बाद शेयर भी कर सकते हो, दोस्तों के साथ देख भी सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।